इवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है अष्टमी, तो आज मेरे यहाँ पे अष्टमी पूजेगी, तो मैं अष्टमी पूजूंगी और फिर कन्याओं को भी मैं आज ही खाना खिला दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ नवमी पूजती है पर मेरे यहाँ पे अष्टमी पूजती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो आज जो है घर में कोई नहीं है, ना ही तो मेरे हस्बैंड है, ना ही मेरा बड़ा बेटा है, मैं और कान्हा ही है। तो सारा काम अकेले करना है, तो बहुत जल्दी जल्दी, मतलब मुझे लग रहा था कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि कन्या जो है ना बाद में नहीं मिलती हैं। अगर जल्दी काम कर लो तो सुबह मिल जाती हैं, बाद में तो ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मैंने हलवा बना लिया था, और आज जो हलवा है मैं पानी का ही बनाऊंगी, दूध का नहीं बनाने वाली हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पानी का बनता है गांव में उधर साइड में, तो मैं वो बनाऊंगी। जो दूध वाला होता है उसको सीरा बोलते हैं, वो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो यहाँ पे लोग बनाते हैं। मैंने वो आके गुजरात में ही देखा है, पर मेरे यहाँ पे ये इस तरह का हलवा बनता है, तो मैं वही बनाऊंगी। तो यहाँ पे हलवा जो है मेरा तैयार हो गया, और इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। और उधर यहाँ पे मैं रख रही हूँ छोटी सी कढ़ाई, तो इसमें मुझे जो है पूड़े बनाने हैं, क्योंकि अष्टमी में मेरे यहाँ जो होता है वो पूड़े पूजते हैं। तो जैसे कि मैंने व्रत रखा आज अष्टमी है, तो मेरे 8 पूजेंगे, फिर पलक के, फिर पलक के पापा के, और इस तरह से मतलब सबके अलग अलग जितने घर में मेंबर हैं सबके 8-8 पूड़े पूजेंगे। तो ये बना लूँगी, और उससे पहले मैंने बनाई है पूरी। तो हलवा पूरी और ये पूड़े और चने मेरे यहाँ पे जो है प्रसाद में माता जी को चढ़ते हैं, तो वही सारा मैं जो है पहले भोग बना लूँगी, और उसके बाद भोग बनाने के बाद मैं फिर कन्याओं के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि ये सब जो है देसी घी में बनता है, जितना भी पूजा का सामान है। इसके बाद मैं जो है मतलब अपना रिफाइन यूज करूँगी, पर माता जी का भोग जो है वो स्टार्टिंग में मैं बना के रख लेती हूँ अलग से। ये थाली होगी माता की, इसमें हलवा है, चने हैं और पूड़े हैं और पूरी हैं, इसी से मैं भोग लगाऊंगी, माता को पूजा करूंगी। और अब जो है मैंने अपनी पूजा ख़त्म कर ली थी, उसके बाद जो है कन्या आएंगी तो उनके लिए मैं यहाँ पे कपड़ा बिछा दूंगी। तो ये वाला जो काम मैं हर साल पलक्स कर देता था, मतलब मुझे बहुत हेल्प मिलती थी जब पलक्स घर होता था, पर वो यहाँ पे नहीं है, तो ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा, और बहुत जल्दी है इस टाइम। मुझे मुझे लग रहा है कि मेरा लड़कियाँ जो कन्या जो आएंगी उनसे पहले पहले मैं ये सब कर लूँ, और ये करते करते ही जो है मेरी कन्या भी आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मेरी कन्या आई थी तो मैंने उनके पहले पैर धुले और टीका लगाया। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि जब माता, आज के दिन जो है कन्याओं के अंदर मतलब लोग माता समझते हैं कि मैया मतलब हमारे घर माता आई हैं, तो इसलिए मैं उनका जो है पैर धुल के और टीका लगा के अपने घर के अंदर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं मतलब ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि भैया ये सब देवियां हैं, आज 9 देवियां, पर मेरे घर पे 9 देवियां नहीं, उससे ज़्यादा आ जाती, मतलब जितने बच्चे मुझे मिल जाते हैं मैं सबको बुला लेती हूँ, जिसमें कि मतलब लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो लड़के लांगुर के तौर पे जो है आ जाते हैं, पर जितने बच्चे मिलते हैं मैं कभी गिनती नहीं करती हूँ कि मुझे 9 खिलानी है 11। तो यहाँ पे सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैंने उनके छुए पैर, उनसे लिया आशीर्वाद, और जो है ना सारे जो बच्चे थे बहुत अच्छे थे। बाय करो, बाय बाय बेटा, आराम से जाइए सब। पहले सर अपना प्रसाद पहले घर रख दो, प्रसाद जब जाइयो खाने। धीरे 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 चुंदरी गिर गई, उसकी चुंदरी गिर गई। वहाँ ऊपर खड़ा थी तो भाई, जब मैं जा रही हूँ आरती में, बच्चों को मैंने जो है खाना खिला दिया है, कन्याएं अपनी खिला दी, तो उसके बाद मैं कहाँ जा रहे हैं आरती में, बस तो वह चप्पल निकाल कर खड़े होते हैं सब। बेटा मैं उसे कुर्सी बैठाऊंगी ना आपको, देख सारम विजेंद्र हारम सदा वसंतम रविंद्र।
नमस्तुते। तो यहाँ पे जो है मेरा सारा काम खत्म हो गया है। मैंने कन्या भी अच्छे से खिला दी हैं और पंडाल में आरती थी वहाँ पे भी होके आई। हाँ बेटा गर्मी तो बेटा आवाज कर रहा है ना पंखा, एक मिनट ले। तो मैंने आरती भी हो गई थी और अब जो है बस थोड़ा किचन का काम है, वो तो मैं करती रहूंगी, हो जाएगा आराम से। मेरे यहाँ अष्टमी आज पूजी है, मैंने आज अष्टमी पूजी है। हालांकि अष्टमी जैसे कुछ लोगों ने जो शाम के टाइम पूज ली थी, पर यहाँ पे जहाँ मैं हूँ वहाँ पे आज अष्टमी पूजी है, आज ही कन्या खिलाई है। और कान्हा की जो है वो तबीयत हो रही है खराब, उसको भी देखना है। और बस अब मैं फटाफट लगूंगी काम पे। तो सुबह सुबह जो है बहुत जल्दी भागम भाग हो जाती है। और कन्याओं का क्या होता है कि अगर आपके हाथ लग गई तो जल्दी खा लेंगी, नहीं लगी ना तो आपको दोपहर तक कन्या नहीं मिलेंगी, क्योंकि सब लोग खिलाते हैं अष्टमी नवमी को। तो लोगों ने आज जो है ज्यादातर कन्या खिलाई है। मेरा पंखा आवाज कर रहा है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो अभी मैं बाकी का काम कर लूँ, फिर आपसे मिलूं। तो आज ही पंडाल में हवन था, तो जो पंडाल का हवन था वो शाम के टाइम हुआ था, तो इसलिए पंडाल में पिछले साल हम लोग बैठे थे, इस बार कोई और बैठा, क्योंकि हर साल कोई ना कोई बैठता ही है। तो यहाँ पे जो है हवन होने के बाद हो रही है आरती, तो यहाँ पे सब लोग आरती करेंगे। और जो है मतलब जो पंडाल में ना वो अष्टमी के दिन ही हवन होता है, क्योंकि नवमी में नहीं होगा और दसवीं में होगा विसर्जन उनका। तो यहाँ पे आरती करेंगे। विलोचन नैन तू विलोचन नैन सिदिन मद ओम। आरती करने के बाद फिर सब लोगों ने हमने किया गरबा। ये तो डेली का ही काम है, मतलब डेली गरबा होता है। तो गाइस ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। राधे राधे।